सेवा में ला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। सभी काम पूरे किए ना। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। वो स्टेज स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। कि जिसके दिल में ही राम नहीं है वो आंखों में लाने की कोशिश भी कैसे करेगा। प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस द्वारा ये कहना कि ये बीजेपी का इवेंट है, मुझे लगता है ये उससे भी घटिया किस्म की राजनीति है। किसी को नहीं जाना चाहिए कि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। ठुकरा दिया भाई, परिवार ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये मेरे हाथ में चिट्ठी है, प्रभु राम ने बुलाया, परिवार ने ठुकराया, गांधी परिवार मना कर दिया, नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर, ये पढ़ लीजिए एक बार आप, बड़ी खबर है। ये हाथ में मेरी चिट्ठी आ गई है, ये बाकायदा चिट्ठी जारी करके कहा गया कि भाई भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, नरम मनुष्य का व्यक्तिगत द्वेष हो सकता है, आगे इसमें लिखा गया है। लेकिन भाजपा और आरएसएस वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। स्पष्ट है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी वजहों से किया जा रहा है। आगे पढ़िए जो बताने जा रहा हूं। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में खड़गे जी, सोनिया जी, अधीर रंजन चौधरी जी आरएसएस के आयोजन के निमंत्रण को सम्मान अस्वीकार करते हैं, नहीं जाएंगे। प्रभु राम ने बुलाया, परिवार ने ठुकराया। वैसे कुछ लोग कहेंगे प्रभु राम बुलाते तो वो जरूर जाते, वही वहां पर नहीं जाएगा जिनको प्रभु राम नहीं चाहेंगे। तो ये सोई जो राम रची रखा, राम चाहते तो शायद ये लोग वहां होते, समझता प्रभु राम ही नहीं चाहते हैं लोग वहां हो, क्योंकि अब चिट्ठी भी आ गई, मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। आज एक सवाल है, आज आप जानते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुरू से ही ना कई साधु संतों ने कुछ सवाल पूछे थे, मैं वो सवाल आपको बताता हूं। साधु संतों ने सवाल पूछा कि जिस परिवार की कभी प्रभु राम में आस्था ही नहीं रही, जिस परिवार की सरकार में भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया गया था, जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ अपनी पार्टी के वकीलों की फौज खड़ी कर दी मंदिर निर्माण को अटकाने लटकाने भटकाने के लिए, सालों साल टेंट में रखने की साजिश की, जिन लोगों ने कार सेवकों के खून से सरयों को लाल कर दिया था, ये सब कहा था साधु संतों, जिन लोगों ने जय श्री राम को कम्युनल लारा घोषित कर दिया था, उन्हें इनवाइट मिलना चाहिए था वैसे भी, मतलब साधु संत कह रहे थे नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था, अब इन्होंने मना कर दिया। साधु संत कह रहे थे कि बुलाना ही क्यों, उन्हें रामलला के मंदिर का निमंत्रण क्यों भेजा जाए। ये सवाल कुछ कार सेवकों के परिवार और अयोध्या के साधु संत ये सवाल लगातार उठा रहे थे कि ऐसे लोगों को निमंत्रण देना ही क्यों, बुलाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप जानते हैं शुरू में हमें लगा कि नहीं भाई बुलाना चाहिए, मतलब हमें लगा कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ऐसे सवाल ठीक नहीं है, क्योंकि श्री राम सबको साथ लेकर चलने का नाम है, राम सबके हैं और सब राम के हैं, राम मंदिर देश की एकता का सबसे बड़ा धार्मिक प्रतीक है, तो हमको लगा नहीं बुलाना चाहिए भाई। ये जो साधु संत कह रहे हैं, हो सकता है भूल सुधार हो, पश्चाताप हो मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा में जाकर, क्योंकि वो सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि हमारी राम मंदिर हमारी संस्कृति का विषय है, सिविलाइजेशन, जिसे राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। बीजेपी का इवेंट थोड़ी ना है, आरएसएस का इवेंट थोड़ी ना है, ये तो देश का उत्सव है, देश का उत्सव, 140 करोड़ भारतीयों का उत्सव, राम मंदिर भारत का नया अध्याय है, इसलिए पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। शायद राम मंदिर का न्योता भेजने वालों ने भी यही सोचा और राम मंदिर ट्रस्ट ने सभी को, सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी, अखिलेश यादव, सबको रामलला का भक्त मानकर
आमंत्रित किया था। सबने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया, सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठुकरा दिया, अधीर रंजन चौधरी ने ठुकरा दिया, ममता बनर्जी ने ठुकरा दिया, लालू प्रसाद यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, जेडीयू कह रहे नीतीश फ्री होंगे तो जाएंगे, सब ने ठुकरा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया। वो सौभाग्यशाली थे, सोचिए वो सौभाग्यशाली थे जिन्हें न्योता मिला इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का, लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को सीधे ठुकरा दिया। ये देखिए चिट्ठी जारी कर दी, नहीं आएंगे। नीतीश जी बिजी हैं, वो फ्री होंगे तो देखेंगे। सोनिया जी नहीं आएंगी, खड़गे जी नहीं आएंगे, अधीर रंजन चौधरी जी नहीं आएंगे। राम ने बुलाया, इन सब ने ठुकराया। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराने के लिए जो बात कही है ना, वो और मैसेज क्लियर करती है कि क्यों ठुकराया। साफ हुआ कि कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या में प्रभु श्री राम के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। अयोध्या को दूर से राम राम करेगी कांग्रेस। अब अयोध्या को कांग्रेस दूर से राम राम करेगी। क्यों? कांग्रेस ने रामलला का न्योता ठुकराने के लिए बकायदा आधिकारिक बयान दिया है। मैंने आपको पढ़कर सुना है कि कांग्रेस ने कहा कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है और बीजेपी आरएसएस ने मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। वो सब ठीक है, पॉलिटिक्स इन्होंने की। कांग्रेस ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है, इसलिए लोगों की आस्था के सम्मान में, अच्छा यहां सुनिएगा, इसलिए 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में खड़गे जी, सोनिया जी, अधीर जी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सम्मान आज स्वीकार करते हैं। लोगों की आस्था के सम्मान में, किसकी आस्था के सम्मान में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार, किन लोगों की आस्था के सम्मान में या किन लोगों की आस्था के वोट बैंक की मजबूरी की वजह से राम मंदिर से दूरी, आप लोग तय करिए। राम मंदिर पर कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। स्टेटमेंट में कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराने के लिए जो बात कही है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस ने कहा लोगों की आस्था के सम्मान में कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है। कौन से लोगों की, मतलब किन लोगों की आस्था के सम्मान में राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह ना सवाल पढ़िए इसको ध्यान से, किसकी आस्था के सम्मान में राम मंदिर के कार्यक्रम का बहिष्कार। कौन लोग हैं जिनकी आस्था के लिए करोड़ों कांग्रेस करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आज स्वीकार कर रही है, या राम मंदिर बनने से किसकी आस्था को ठेस पहुंच रही है और उन्हीं की आस्था का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी, सोनिया जी नहीं जाएंगी। अगर कांग्रेस को लगता है कि राम मंदिर का कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का है, तो भगवान राम तो बीजेपी आरएसएस के नहीं है ना, सिर्फ मेरे भी हैं, आपके भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सोनिया जी के भी हैं, सबके हैं। तो बीजेपी आरएसएस के नाम का सहारा लेकर श्री राम से दूरी क्यों और किन लोगों की आस्था का ध्यान रखते हुए यह फैसला किया गया? देखिए, क्योंकि जब तक कांग्रेस को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला था ना, तब तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि देखो बुला नहीं रहे हैं, राम तो सबके हैं। खुद कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि निमंत्रण मिला तो जरूर जाएंगे। अशोक गहलोत कह रहे थे कि चाहे बुलावा ना मिले वो फिर भी जाएंगे। तो क्या हो गया, बुलाया ना, नहीं जा रहे, मजबूरी। लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए इस निमंत्रण को सम्मान अस्वीकार करना, किन लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है मंदिर निर्माण से, जिनकी आस्था में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा आस्था है या वोट बैंक की आस्था है। कांग्रेस क्यों अयोध्या से दूरी मना रही है, क्यों मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा को कांग्रेस दूर से राम राम कर रही है, क्यों कांग्रेस वही ऐतिहासिक भूल कर रही है जो पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के मौके पर की थी। याद दिलाऊं, 11 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था। 11 मई 1950 तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में
नेहरू की नाराजगी के बावजूद शामिल हुए। नेहरू जी नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाए। नेहरू ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि भाई राजेंद्र प्रसाद एक सेकुलर देश के राष्ट्रपति हैं, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े कार्यक्रम में उन्हें नहीं जाना चाहिए। तब राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मैं अपने धर्म से खुद को अलग नहीं कर सकता। इससे नाराज नेहरू ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को राष्ट्रपति के भाषण की प्रेस रिलीज जारी करने से रोक दिया था। अब उसी रास्ते पर कांग्रेस 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रही है। कुछ सवाल ये कि कांग्रेस उन लोगों की आस्था की वजह से, कुछ लोगों की आस्था की वजह से, आप लोग तय करिए ये कुछ कौन है, कुछ लोगों की आस्था की वजह से राम मंदिर का न्योता ठुकरा रही है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि लोगों की आस्था के सम्मान में खड़गे जी, सोनिया जी, अधीर जी आयोजन के निमंत्रण को सम्मान अस्वीकार कर रहे हैं। अब किसकी आस्था को ठेस पहुंच रही है राम मंदिर निर्माण से, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमें तो लगता है ये सबकी आस्था का विषय और सब खुश हैं, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ लोगों की आस्था है इसलिए वहां ना जाना सही है जिनकी रामलला में आस्था नहीं है। क्या कांग्रेस ऐसे करोड़ों राम भक्तों से ज्यादा उन लोगों की आस्था का सम्मान करने के लिए मतलब ये सब कर रही है जिनकी वजह से रामलला 500 साल तक टेंट में रहे? मतलब कोई हिंदू शायद ही होगा या राम भक्त शायद ही होगा जिसकी आस्था को ठेस पहुंची होगी या जो नहीं चाहता होगा मंदिर बने। इसलिए बीजेपी ने भी कहा है कि जिन्हें श्री राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। सुनिए, नहीं आएंगे तो भी बदनाम होंगे और आएंगे तो हमारे जाल में फंस जाएंगे। अजीब किसी की बात है भाई। और भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं, किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है। आई डोंट वांट टू कमेंट, आई कमेंट विल आंसर टू ऑल दोस। एक हमने कहावत सुनी थी कि रोने वाले को ना बस रोने का बहाना मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने राम को पहले ही काल्पनिक सिद्ध करने के लिए लड़ाइयां लड़ी हों, जिन्होंने भगवान राम का मंदिर न बनने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए हों सुप्रीम कोर्ट में, वो आज किस मुंह से जाएंगे? और कांग्रेस में गृहयुद्ध छिड़ गया। बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अर्जुन मोडवाड़िया ने विरोध कर दिया है। अर्जुन मोडवाड़िया न्योता ठुकराने पर कांग्रेस में कलह। अर्जुन मोडवाड़िया गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप सभी जानते हैं। उन्होंने लिख दिया कि भाई प्रभुराम आराध्य देव हैं, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। यह बहुत बड़ी खबर है, यह आस्था और विश्वास का विषय है। और अर्जुन मोडवाड़िया गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं यह फैसला ठीक नहीं है। प्रभुराम से दूरी की क्या वजह हो सकती है, क्या मजबूरी हो सकती है? अर्जुन मोडवाड़िया वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। कांग्रेस में गृहयुद्ध जैसे हालात, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी संभवतः इस पर अब सवाल उठाएंगे, कांग्रेस के कुछ और नेता भी। और अर्जुन मोडवाड़िया वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसे निर्णय से दूर रहना चाहिए था। हालांकि कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर जो फैसला किया वो बिल्कुल चौंकाने वाला कुछ लोगों की नजर में नहीं है। मतलब देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए समझना पहले से काफी आसान था कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या स्टैंड होगा। लोग कह रहे थे कि जो उम्मीद कर रहे थे वही पॉलिटिकली इमेच्योर लोग हैं, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग आएंगे वही उनकी ही नासमझी होगी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन करोड़ों राम भक्तों की उम्मीदों पर 100% खरे उतरे हैं। बिल्कुल वो बधाई की पात्र है कांग्रेस पार्टी, स्पष्टता आ गई है। इंडी गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते से दूरी बना ली है। सुनिए जो बता रहा हूं, आज कांग्रेस की तरफ से इशारा कर दिया गया कि सोनिया गांधी, अच्छा हाँ ये देखिए इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार, आप एक बार सबका स्टैंड एक बार क्लियर हो जाएगा। ये फुल स्क्रीन पर ये देखिए आप, सोनिया गांधी निमंत्रण अस्वीकार, अखिलेश यादव निमंत्रण ठुकराया, तेजस्वी नीतीश कुमार फ्री होंगे तो जाएंगे, नीतीश कुमार फ्री होंगे तो जाएंगे, लालू जी के लिए कह दिया गया कि भाई अभी तक कुछ फाइनल नहीं है,
प्लान नहीं है जाने का। ममता बनर्जी कार्यक्रम से दूरी, सीताराम येचुरी नहीं जाएंगे, शरद पवार नहीं जाएंगे, और जब मंच तब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सोनिया गांधी मना, अखिलेश यादव मना, नीतीश कुमार फ्री होंगे तो जाएंगे, लालू प्रसाद यादव अभी तक कोई प्लान नहीं है, केजरीवाल जी जब मंच तब जाएंगे, सीताराम येचुरी नहीं जाएंगे, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। वैसे इस खबर का निचोड़ है, जिनको राम चाहेंगे वही आएंगे, जिनको प्रभु राम चाहेंगे वही आएंगे, वो ये सोई जो राम रची राखा। अब राम जी नहीं चाहेंगे तो कहाँ से आप लोग आ पाएंगे, निमंत्रण से थोड़ी ना कोई आ पाएगा। देखिए, इसलिए कई लोग ना आज पलट कर सवाल पूछने की क्या इनको बुलाना एक भूल थी क्या। वैसे ध्यान रखिए कि शुभ अवसर पर आपके घर जब होता ना, घर में कोई शुभ अवसर होता है, आप किस किस किन किन लोगों को इन्वाइट करते हैं, जो आपके करीबी हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके अपने हैं, या फिर जिन्होंने वहां तक पहुंचने में आपकी मदद की है, शुभ घड़ी शुभ अवसर, और कौन लोग नहीं आते हैं, जिन्हें या तो बुलाया नहीं जाता, या बुलाने पर भी जो लोग ना आए, जिन्हें मन में चिढ़ होती है, जलन होती है, जिन्हें चिढ़ होगी ना आपकी उपलब्धि से, वो ही आपके घर में शुभ अवसर पर नहीं आएंगे, बुलावे के बावजूद वो आपके शुभ अवसर पर नहीं आते हैं। हालांकि राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाले इंडी गठबंधन की सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा कांग्रेस बधाई की पात्र है। देखिए, आज मैं एक और चीज क्लियर कर रहा हूं, कांग्रेस बधाई की पात्र है, बिल्कुल बधाई दी जानी चाहिए आज कांग्रेस पार्टी को, कम से कम स्टैंड तो क्लियर हुआ, 70 साल से स्टैंड ही नहीं पता था, कोई स्टैंड ना होना ही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, स्टैंड तो क्लियर हुआ। बधाई की हकदार इसलिए क्योंकि स्पष्टता आ गई, मतलब 70 साल में पहली बार राम मंदिर को लेकर स्टैंड कंफ्यूजन खत्म हुई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन खत्म हुई, मतलब 70 साल में पहली बार साफ साफ शब्दों में देश को बता दिया कि मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है। आरोप कई लगते थे अटकाने लटकाने भटकाने के, कभी स्पष्टता नहीं थी, लेकिन आज स्पष्टता से कह दिया कि कुछ लोगों की आस्था के लिए वहां जाना सम्मान अस्वीकार। किन लोगों की आस्था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले है, किन लोगों की आस्था के सम्मान में कांग्रेस राम मंदिर कार्यक्रम से दूरी बना रही है, क्योंकि राम मंदिर का न्योता तो केवल अखिलेश यादव ने भी ठुकराया कल, लेकिन राम मंदिर का न्योता ठुकराने के लिए अखिलेश यादव ने जो वजह बताई ना, वो सच कम बहाना ज्यादा लग रही है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सुनिए न्योता ठुकराने की वजह। अखिलेश यादव ने बताई कि जो लोगों ने कार्यक्रम का इन्वाइट देने आए थे ना, उन्हें जानते नहीं, उन्हें पता नहीं था कौन मैं जो न्योता देने, उन्हें जानता नहीं हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें, हम जिन्हें जानते नहीं है ना, उनसे हम इनवाइट नहीं लेते हैं। आलोक कुमार गए थे बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष, बीएचपी का कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता देने के लिए, खुद मैंने बताया ना, आलोक कुमार गए थे, कह रहा मैं नहीं जानता। अखिलेश यादव जी ने कहा आलोक कुमार को निमंत्रण सहित लौटा दिया, नहीं चाहिए। लेकिन अब राम मंदिर का न्योता ठुकरा कर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक ही हमारे भगवान हैं, यानी भले ही कांग्रेस की तरह अखिलेश क्लियर मैसेज नहीं दे पाए, लेकिन मैसेज उनका भी वही है कि वो राम मंदिर पर किसकी आस्था के सम्मान के लिए ऐसा कर रहे हैं। सुनिए, 90 में जो हुआ, हम उन्हें बुलाएं कि नहीं बुलाएं, पर हम लोगों को लगा कि पुराना भूल करके एक बार फिर से शुरू करते, सारा हिंदू समाज करे, पर राजनीति की अनिवार्यताएं और मजबूरियां, उनके मन के भय, वो उनको इस कार्यक्रम में जुड़ने से अगर रोक रहे हैं तो हमें कुछ कहना नहीं है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे हिंदू, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। चलिए, हो सकता सही कह रहे हो, हम लोग जाति करके नहीं जानते होंगे, आलोक कुमार जी को नहीं जानते होंगे अखिलेश यादव, सही बात, प्रभु राम को जानते हैं, चलिए प्रभु राम को भी नहीं जानते, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये जानते हैं, चलिए वो भी नहीं जानते, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वरिष्ठ नेता, प्रमोशन दिया था नफरती ग्रंथ बताने पर, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जानते हैं अखिलेश जी, क्या क्या किस किस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ये
को कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वहां श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना नाम बदल कर भी कुछ और रख लेना चाहिए, ना स्वामी उनके साथ जुड़ता है ना मौर्य उनके साथ जुड़ता है। जिस राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों की कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया, अब उस घड़ी को आने में 12 दिन बचे हैं, लेकिन सनातन विरोधियों की जहरीली जुबान बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ऊपर रहता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से कुछ ही दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या गोलीकांड की याद दिला दी, और हद तो ये है कि उन्होंने 34 साल पहले हुए गोलीकांड को सही ठहराया। राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर में श्री राम का जयघोष करने वाले और अपने प्राणों की आहुति देने वाले राम भक्त अराजक तत्व हैं। आखिर 34 साल पुराने गोलीकांड के जख्म स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा क्यों कुरेद रहे हैं? उसके लिए मुलायम सिंह यादव का वो बयान भी याद करना चाहिए। हमारे सत्ताधारियों को गोली चलाने पड़ी, वो उसी वजह से देश की एकता है। समाजवादी पार्टी दोबारा उसी गोलीकांड की याद दिला रही है। बीजेपी का आरोप है कि कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का नामकरण मुल्ला मुलायम हो गया था, ठीक उसी रास्ते पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चल निकले हैं। दिक्कत क्या है, क्योंकि आजकल वो समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जब तक आप मियां मुलायम वाली भाषा नहीं बोलेंगे तब तक आप पार्टी में नहीं रह सकते। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य की मजबूरी है, और मजबूरी में अगर वो कर ही रहे हैं तो अपने नाम के आगे भी सही अड़वाज लगा लें तो अच्छा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयान के टाइमिंग पर सवाल है। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण ठुकराया, और उसके 24 घंटे के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद के इन समाजघाती बयानों से अखिलेश यादव सहमत हैं या नहीं? अगर अखिलेश की उनकी मौन सहमति नहीं है तो लगातार वो इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है, और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यहाँ बहुत, मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसके बारे में। ऐसा कोई महीना या हफ्ता नहीं बीता है जब अपने नाम के उलट स्वामी प्रसाद का विवादित बयान सामने ना आया हो। हिंदू धर्म का अपमान हो या धार्मिक ग्रंथों का अपमान, स्वामी के इन बयानों से अयोध्या के संत समाज में आक्रोश है। कई संत तो स्वामी प्रसाद को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है, अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसको संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। अजानते आज मैं YouTube पर लाइव था, मैं लोगों के सवाल ले रहा था। उस दौरान एक सवाल पूछा मेरे से एक शख्स ने, किसने एक सवाल पूछा कि जब अयोध्या में
5 एकड़ या दूसरी जगह पर बन रही मस्जिद का उद्घाटन होगा, क्या उसमें भी सोनिया गांधी जी और खड़गे जी नहीं जाएंगे? ये सवाल पूछा मेरे से लाइव, या ये फैसला सिर्फ मंदिर के लिए? मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता वो उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे। जब मस्जिद का उद्घाटन होगा तब कांग्रेस को शायद इतनी दुविधा होगी या नहीं होगी, मंदिर में नहीं जाएंगे लेकिन संभवतः जब 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का उद्घाटन अगर हुआ तो क्या उसमें भी सोनिया गांधी नहीं जाएंगी या उसमें जाएंगी? ये सवाल आया मेरे पास, क्योंकि बाबरी ढांचा गिराए जाने की घटना के कुछ दिनों के बाद ही ना कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो भी हुआ है वो उसे अंडू कर देंगे। यानी ढांचा गिराए जाने से पहले जो स्थिति थी वही कायम कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो मस्जिद के दोबारा निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। यू विल सी हाउ इट विल बी रीबिल्ट, इट विल बी रीबिल्ट। मैंने इंटरव्यू खुद उनका पढ़ा है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कहा कि ही विल सी हाउ इट विल रीबिल्ट। हालांकि बाद में क्या हुआ, जब वो लिब्रहान आयोग के सामने पेश हुए तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मस्जिद दोबारा बनाए जाने का वादा किया था, हाँ ये कहा था, लेकिन किस जगह पर ये उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन इससे पहले के बयानों में वो साफ साफ इशारा दे रहे थे कि वो राम मंदिर के स्थान पर ही दोबारा मस्जिद बनाए जाने की बात कर रहे हैं, यानी मंदिर ना सही। तब मेरे पास ये जवाब तैयार नहीं था जब मेरे से लाइव सवाल आया, अब मैंने जवाब तैयार किया। और संभवतः वो शख्स मुझे अगर लाइव देख रहे हैं तो यही आपके सवाल का जवाब है कि क्या मस्जिद के उद्घाटन में क्या सोनिया जी जाएंगी 5 एकड़ में अगर होगा तो? मंदिर ना सही लेकिन मस्जिद के निमंत्रण को लेकर शायद इतनी दुविधा ना हो, ये हम स्पष्ट तौर पर शायद आज कह सकते हैं।